सावन माह का चूड़ियों से है बड़ा खास कनेक्शन। फैशन की वजह से ना करें इसकी महिमा को नजरअंदाज। पति की सोई किस्मत जगा सकती है आपके हाथों की भरी भरी चूड़ियाँ। सुहाग की लंबी आयु के साथ उनका बैंक बैलेंस बढ़ा सकती है ये चूड़ियाँ। सावन माह में इस रंग की चूड़ियाँ और इतनी चूड़ियाँ माता पार्वती की दिला सकती है बड़ी विशेष कृपा। प्रसन्न होते हैं स्वयंभू शिव शंकर। सावन माह में चूड़ियों का इतना महत्व है कि कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक बार मणिहारिन के वेश में गोकुल में चूड़ियां पहनाने आ गए थे। सुहाग की लंबी उम्र के लिए सिंदूर के अलावा चूड़ियों का बड़ा विशेष महत्व है। सनातन धर्म में शादी विवाह और मांगलिक कामों में चूड़ियों का श्रृंगार एक स्त्री के लिए अनिवार्य होता है। कहा जाता है सुहागिन महिलाओं को चूड़ियों का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सुहाग की आयु लंबी होती है। लेकिन कब करना चाहिए ये ध्यान रखना जरूरी है। किस रंग की चूड़ियां और कितनी संख्या में चूड़ियां पहनाना चाहिए और किस दिन नहीं खरीदना चाहिए ये बातें हर एक स्त्री को जानना अनिवार्य है। आजकल फैशन में आकर महिलाएं हाथों में केवल एक कड़ा धारण कर लेती हैं और दूसरा हाथ खाली रखती हैं, जो कि अत्यंत अशुभ है। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं चूड़िया धारण करने के शास्त्रीय नियम। सावन के पवित्र माह में हरी चूड़ियों का विशेष महत्व है। इस रंग की चूड़ियां जीवन में खुशहाली लाती है। प्रेम और सुख के लिए गुलाबी रंग की चूड़ियां शुभ होती है। संतान प्राप्ति के लिए पीली रंग की चूड़ियां शुभ होती हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोने चांदी की बराबर चूड़ियां पहनना शुभ होता है। लाल रंग की चूड़ियां सुहाग की उन्नति के लिए शुभ होती हैं। लेकिन ज्योतिष विद्वान के अनुसार दोनों हाथों में सम और विषम चूड़ियां पहनाना चाहिए। बाएं हाथ में विषम जैसे 3, 5, 7, 9 चूड़ियां और दाएं हाथ में सम चूड़ियां जैसे 2, 4, 6, 8 चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। जब भी चूड़ियां पहने माता पार्वती को लाल चुनरी में सबसे पहले अर्पित करें। शनिवार, रविवार और मंगलवार कभी भी चूड़ियां ना खरीदें। शुक्रवार का दिन चूड़ियां खरीदने के लिए सबसे शुभ है। ध्यान रखें मायके से ससुराल आते समय कभी भी खाली हाथ ना आएं, हमेशा चूड़ियां पहनकर ही आएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ससुराल से भी जाते समय सुहाग की चीजें जैसे चूड़ियां पहनकर ही आएं, कहीं से भी खाली हाथ ना आएं। चूड़ियां उतारते समय भी कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखें। हमेशा एक चूड़ी तो कम से कम हाथ में रखें ही। सावन में इस बात का खास ख्याल रखें कि चूड़ियों का हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। ज्योतिष विद्वान के अनुसार चूड़ियां मन का कारक होता है। चूड़ियां पहनने से चंद्रमा और बुध ग्रह ठीक होते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहता है और विज्ञान भी इस तर्क को अब मानने लगा है। कई धर्म के जानकार मानते हैं कि जब महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं तब ये चूड़ियां हाथ की मणिबंध पर्वत रेखा को छूती हैं। ज्योतिष में मणिबंध पर्वत धन, वैभव, सुख से जुड़ा हुआ है। चूड़ियों के इस रेखा को छूने से धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती। जब भी चूड़ियां पहने सुबह या शाम को पहने, कभी भी रात को या प्रदोष काल में चूड़ियां ना पहने। अविवाहित हैं तो चाहे तो जिस रंग की चूड़ियां पहने, विवाहित हैं तो काले रंग की चूड़ियां कभी भूल कर ना पहने। विवाहित हैं और सफेद रंग की चूड़ियां पहनना चाहती हैं तो साथ में लाल रंग की चूड़ियां भी जरूर पहने। चूड़ियों को हिंदू तिथियों की 16 तिथियों के बराबर माना गया है। माना जाता है जो सुहागिन महिलाएं सावन के बुधवार को किन्नरों को 16 चूड़ियां उपहार में दे देती हैं तो अति शुभ होता है। सुहाग की उन्नति तो होती ही है, साथ ही छप्पर फाड़ कर पैसा बरसता है। तो मित्रों सावन के पवित्र माह चूड़ियां अवश्य पहने। आपको आज का वीडियो और आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।